नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल बनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकते हैं। जैसे कि एक बड़ी खबर आई थी कल कि MPPSC ने अपने 2019 के इंटरव्यू पर रोक लगा दी है। अब नए सिरे से MPPSC 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आएगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा को लेकर अभी निर्णय नहीं हुआ है। उसी श्रृंखला में एक खबर है कि MPPSC लेटेस्ट न्यूज 2021 की जो आई है, 19 जून की परीक्षा क्या आगे बढ़ेगी, आ गई है महत्वपूर्ण सूचना। इसी श्रृंखला में जो सभी अभ्यर्थियों के मन में संशय विपर्य की स्थिति बनी हुई है कि क्या 19 जून की परीक्षा जो है वह आगे बढ़ेगी पंचायत चुनाव के कारण, या उसी जून 19 जून को परीक्षा होगी। चलिए देखते हैं क्या है इससे जुड़ी समस्त महत्वपूर्ण सूचना। MPPSC 2021 प्रीलियम्स, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि 21 जून को हो गया नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट इसको व्याकुल हैं, लेकिन ध्यान रखना है, खुद सोचिए यदि नियत समय पर हो गया। मान लो अभी आप सोचते हैं कि 19 को नहीं होगा और आप अपने हिसाब से चलते हैं, थोड़ा बहुत मतलब ढील भी डाल देते हैं पढ़ाई में, तो समय पर हो गया तो क्या जो आपने हफ्तों का समय गवाया है वह वापस आ जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। इसलिए एकाग्रचित्त रहिए, क्योंकि कुल जो फॉर्म भरे गए हैं, इस बार 4 बार लिंक ओपन की गई थी, अभी भी फॉर्म भरने का अवसर 23 से 27 तारीख के मध्य आप अभी भी फॉर्म भर सकते हैं। 10% करीब 35,000 स्टूडेंट तो पक्का होंगे जो बिना डिस्टर्ब हुए लगे होंगे, उन्हीं में से करीब 6,000 मेंस के लिए चयनित तो हो जाएंगे। और यदि आप यही सोचते रहे कि 19 जून को होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, हमें सिर्फ अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करना है, क्योंकि यदि हम पढ़ाई अभी से करते हैं तो व्यर्थ नहीं जाने वाली है। निश्चित रूप से वह हमारे लिए कार्यकारी रहेगी और निश्चित रूप से वह हमारे लिए आगे भी लाभ लेकर आएगी। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी सुचारू रूप से प्रारंभ रखना है और 19 जून का ही पेपर मानकर चलना है। 19 जून को अगर हो गया तो फिर आप क्या करेंगे, और अभी संभावना भी 19 जून की बनी हुई है। ऐसा पैटर्न हर साल चल रहा है। यदि डेट आगे बढ़ भी जा गई तो क्या आप पढ़ना छोड़ देंगे? अगर आप पढ़ना छोड़ भी देंगे तो वह आपके लिए ही नुकसानदेह रहेगा। इसलिए हमारा कहना कि अपनी तैयारी सुचारू रूप से करते रहें। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि MP पर फोकस करके आप अपने 30% अंक पक्के कर सकते हैं, और यूनिट 7, 8, 9, 10 पर फोकस करके आप अपने 40% अंक पक्के कर सकते हैं। तो आपके लिए सुनहरा अवसर है जब आप अपनी तैयारी हमारे नोट्स एवं मार्गदर्शन के माध्यम से कर सकते हैं। पंचायत चुनाव के बारे में यदि हम चर्चा करें तो 31 तारीख को इससे संबंधित नोटिफिकेशन वगैरह आने हैं, किस किस डेट में कहां कहां चुनाव कब कैसा परिणाम आएगा। पंचायत चुनाव की व्यस्तता के चलते विभिन्न स्रोतों से खबरें हैं कि कुछ जिला कलेक्टर एग्जाम कराने को लेकर दुविधा में हैं, लेकिन आयोग अभी भी 19 जून को लेकर प्रतिबद्ध है। जून पहले हफ्ते तक स्पष्ट हो जाएगा, मतलब आपको ज़्यादा इंतजार का समय नहीं है, 8 दिन के अंतर्गत स्पष्ट हो जाएगा कि परीक्षा कब है कब नहीं। यदि 19 जून को होगी तो फिर आप क्या कर लेंगे, इसलिए आप अपनी तैयारी जो है प्रभावी रूप से करते रहें, वही आपको लाभ देने वाली है। और हम आपसे कहेंगे कि आप एकाग्रचित्त होकर अपनी तैयारी करते रहें प्रीलिम्स एवं मेंस की, जो कि निश्चित रूप से आपके लिए फायदा देगी, और आप इन स्थितियों भ्रम की स्थितियों में ना पढ़कर और लोगों में भ्रम ना फैलाकर अपनी तैयारी प्रभावी रूप से करते रहें। और जहाँ भी आपको हमारे मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी वहाँ हमारा यूट्यूब चैनल हमेशा आपके साथ रहेगा। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहें और मुख्य परीक्षा की तैयारी भी आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। समाजशास्त्र, लोक प्रशासन मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। तो आपके लिए समय आ गया है जब आप प्रभावी रूप से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप अपने जीवन का उद्धार के लिए हमसे जुड़े रहें। और जो अभ्यर्थी अभी भी अपनी तैयारी व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं उन्हें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, और आप यदि इन स्थितियों में भटके रहे तो निश्चित रूप से आपके लिए हानि रहेगी। तो अपनी तैयारी करते रहें और निश्चित रूप से आप 100% सफलता के साथ अपनी मनचाही पोस्ट को प्राप्त करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।